क्या आप भी फॉरएवर करना चाहते हैं? बट आप नहीं चाहोगे ना कि आप फॉरएवर में ज्वाइन कर लो, 2CC कर लो, उसके बाद आपको फॉरएवर छोड़ना पड़े। जैसा कि मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि फॉरएवर क्यों लोग छोड़ देते हैं, क्यों 2CC करने के बाद सबको छोड़ना पड़ जाता है फॉरएवर। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आपने जैसा कि थंबनेल में भी देखा होगा कि फॉरएवर में 2CC करने के बाद भी फॉरएवर लोग छोड़ रहे हैं, तो आखिर वो क्यों छोड़ रहे हैं, क्या कारण है इसके कारण आपको या फिर सबको फॉरएवर को छोड़ना पड़ेगा। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको पूरा क्लियर बताने वाली हूँ। तो हाय दोस्तों, मेरा नाम है ममता बेरवा, मैं फॉरएवर में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर TLF टीम के साथ वर्क करती हूँ। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको कुछ क्लियर हो कि हाँ, अगर फॉरएवर को करना है तो किस तरह से करना है, आगे जाके आप छोड़ ना पाओ। तो अगर दोस्तों आप इस वीडियो पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ताकि फॉरएवर से रिगार्डिंग आपको इस चैनल पर सारी इन्फॉर्मेशन मिले। और अगर आप फॉरएवर कर रहे हो और आप लीड्स बाय कर करके परेशान हो चुके हो, कॉल्स DM कर करके परेशान हो चुके हो और आप ऑटोमेशन सीखना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप चेकआउट जरूर करें। और आप अगर हम मेरे साथ वर्क करना चाहते हो ऑटोमेशन सिस्टम के साथ, जिसमें आपको किसी को कॉल नहीं करना होगा, DM भी नहीं करना होगा, एक दिन आपको फॉरएवर को भी नहीं छोड़ना पड़ेगा, तो उसके लिए फर्स्ट लिंक है, मास्टर क्लास है 90 मिनट का, उसको आप देखिए और समझिए कि हम फॉरएवर को इस तरह कैसे करें। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है फॉरएवर में और आप 2CC करना चाहते हो, तो 2CC करने से पहले आप कुछ इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए ताकि आप आगे जाके फॉरएवर को ना छोड़े। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको थंबनेल में भी बताया कि 2CC करने के बाद भी फॉरएवर को छोड़ना पड़ेगा, राइट, जैसा आपने थंबनेल में देखा। तो वो क्यों बताया, अब मैं थोड़ी सी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया और 2CC करना चाहते हो तो 2CC के पहले इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद कुछ इस एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। तो देखिए दोस्तों, जिन्होंने मुझे फॉरएवर इंट्रोड्यूस करवाया था, जो मेरे गांव का एक लड़का है, उसने मुझे फॉरएवर को इंट्रोड्यूस करवाया था। वो किसी टीम में फॉरएवर में वर्क करते थे, अभी उन्होंने फॉरएवर को छोड़ दिया है। तो अभी उन्होंने, जैसा कि मैंने दो से चार दिन पहले सुना कि उसने फॉरएवर को छोड़ दिया है, फॉरएवर में वर्क नहीं करता, तो मुझे बहुत दुख हुआ कि जिस टाइम को मेरे को प्रेजेंट किया था उसने फॉरएवर, तो मेरे को वो बताते थे कि इतने बड़े बड़े सपने, मैं सुपरवाइजर लेवल अचीव करूँगा, मैं मैनेजर बनूंगा, मेरे घर की स्थिति ठीक करूँगा, ये सब करूँगा, बट आज वो फॉरएवर छोड़ चुका है। बट क्यों छोड़ा, क्योंकि देखिए दोस्तों, जिस टीम के साथ वो वर्क करते थे, फॉरएवर को करते थे, उस टीम में क्या होता था, लीड्स को बाय करना होता था, लीड्स पे कॉल करना होता था, दिन भर DM से करना होता था। तो वो एक, देखिए अगर आप दिन भर काम कर रहे हो, सुबह से शाम मोबाइल में लगे हो, दिन भर वही काम कर रहे हो, लोगों को इनवाइट कर रहे हो, लोगों को DM कर रहे हो, लोगों को कॉल कर रहे हो, लीड्स को बाय कर रहे हो, 2CC करने के बाद भी और भी पैसा लगा रहे हो, तो आप एक महीना कर लोगे, दो महीना कर लोगे, चार महीना कर लोगे, फिर आपका दिमाग जवाब दे देगा कि अब मुझे ये नहीं करना, क्योंकि वहाँ पे हम रिजल्ट नहीं मिलता है। मैंने भी देखो, जब मुझे मालूम हुआ कि इसमें कुछ चार्ज नहीं लगता, बट फिर भी लिया गया, लोगों को इस तरह का चार्ज लेते हैं, लोगों से बहुत सारा चार्ज लेते हैं अलग से, फिर 2CC का अलग कर, और फिर काम भी क्लियर नहीं बताते हैं। तो देखो, फॉरएवर को ज्वाइन करने के बाद अलग अलग टीमों में क्या कॉल और DMs करना होता है या फिर नॉन्स में बताना होता है। सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को, अपने फ़ोन में व्हाट्सएप नंबर है उन पर आप कॉल करो, उनको आप बताओ, रिश्तेदारों को बताओ। तो उसने मुझे भी बताया था, क्योंकि वो मेरे गांव का, मेरे रिश्तेदार भी है, तो और मेरे गांव में एक लड़का है, उसको भी बताया, सबको बताया था टोटली। बट एक लड़के ने और ज्वाइन किया था, तो उसने 2CC कर लिया था, बट उसने भी फॉरएवर को छोड़ दिया। बट मैंने नहीं छोड़ा, क्यों नहीं छोड़ा, अब उसका रीज़न बताऊँगी मैं थोड़े देर। तो
उसने मुझे इतने बड़े बड़े सपने दिखाए, इतना सब सिखाया, बहुत कुछ उसने मुझे बताया कि दी ऐसा होता है, दी ये इतनी इनकम आएगी, इतना सब होगा, मैं इतना अचीव करूँगा, ये सब करूँगा। बट जो भी था वो आज उसको फॉरएवर छोड़ना पड़ गया। क्यों? क्योंकि जिस तरह का वो वर्क कर रहा था, कॉल्स कर करके, डीएम्स कर करके, तो माइंड में देखो यंग है, यू यंग है। और फिर नेगेटिविटी आती है, क्योंकि देखो सबसे मेन काम होता है, अगर आप दिन भर काम कर रहे हो, ठीक है, काम कर रहे हो, बट आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, आपको पैसा नहीं आ रहा, अगर पैसा ही नहीं आएगा तो फिर आप किसके लिए काम करोगे? आप सोचिए, आप दिन भर कॉल्स कर रहे हो, डीएम्स कर रहे हो, लोगों को इनवाइट कर रहे हो, लोगों को फॉलो अप ले रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट बिलिंग की टाइम पर आते आते लोग भाग जाते हैं, बिलिंग नहीं करते 2 CC का या कुछ भी अमाउंट का। तो जब तक हमारे पास पैसा नहीं आएगा, तो हम कोई भी पर्सन हुआ काम छोड़ेगा ही सही। तो आखिर में उसने 1.5 से 2 साल काम किया और आज वो फॉरएवर उसने छोड़ दिया। तो इससे इससे क्या हुआ? तो दोस्तों, अगर आप भी कॉल्स और डीएम्स, आपको बताया गया, आपको लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा, आपको लोगों को कॉल करना पड़ेगा, हम नंबर पर प्रोवाइड करेंगे, तब आप फॉरएवर में वर्क करना, इस तरह से लोगों को आपको प्रोडक्ट सेल नहीं करना होगा। तो दोस्तों, ये जो 2 CC के प्रोडक्ट आते हैं, अगर आपको प्रोडक्ट सेल नहीं करना होगा तो फिर आपको पैसा कैसे आएगा? आप बस ज्वाइनिंग करवा के ही प्रोडक्ट सेल करना चाहोगे, या फिर डायरेक्ट कस्टमर तक भी आप प्रोडक्ट सेल करना चाहोगे? तो देखो दोस्तों, हम करते हैं प्रोडक्ट भी ऑनलाइन सेल। हमारे पास खुद कस्टमर कॉल करता है कि हमें ये वाला प्रोडक्ट चाहिए, हमें फॉरएवर एलोवेरा जेल चाहिए, या एलोवेरा नेक्टर चाहिए, या फिर शैम्पू चाहिए, साबुन चाहिए, या तेल चाहिए, ब्राइट टूट जेल चाहिए, यानी कि जो भी फॉरएवर के प्रोडक्ट है उसके लिए हमें कॉल्स करते हैं लोग, और हमसे प्रोडक्ट्स बाय करते हैं। अब आप सोचोगे कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि हमें तो बताया ही नहीं गया कि प्रोडक्ट आपको सेल करना है यहाँ पे। तो दोस्तों, यहाँ पे डायरेक्टली करो या इनडायरेक्टली करो, तो प्रोडक्ट सेल करना होता है। अब वहाँ पे जितना कमीशन हमें प्रोडक्ट सेल करके आता है, उतना हमें ज्वाइनिंग से भी आता है। अगर जैसे कि टीम बना के हम काम करते हैं, तो वहाँ से हमें कमीशन आता है। कोई कस्टमर प्रोडक्ट बाय कर रहा है, तो वहाँ से भी हमें कमीशन आता है। तो हम दो तरीके से यहाँ पे अर्निंग करते हैं। बट दोस्तों, अब मैं बताती हूँ कि मैं किस टीम के साथ वर्क करती हूँ और मैं कैसा वर्क करती हूँ। तो दोस्तों, मैं TLF क्रिएटर, जो हमारा एक कम्युनिटी है, उसके साथ वर्क करती हूँ। आप जाके यूट्यूब पे सर्च करना TLF क्रिएटर, आपको हमारी जो भी टीम है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। अब देखिए दोस्तों, TLF क्रिएटर में क्या होता है, हमें मिलता है ऑटोमेशन सिस्टम, जिसके थ्रू हमें एक फनल मिलता है, उसके थ्रू हमारी लीड खुद वेबिनार वॉच करती है, खुद समझ के फॉरएवर में आती है, हमारे साथ सारा सिस्टम, हमारी वीडियोस देख के आती। सबसे पहले तो हमें TLF में क्रिएटर बनाया जाता है, हम वीडियोस क्रिएट करते हैं, उसके थ्रू हमारा वीडियो देख के वो लोग समझ के हमसे कांटेक्ट करते हैं कि हमें आपका सिस्टम अच्छा लगा, हम इसके आपके साथ ज्वाइन होना चाहते हैं। यहाँ तक कि कुछ कुछ लोग तो हमारा वेबिनार भी देख लेते हैं, हमारे साथ ID भी बना के हमारी टीम में कॉल करते हैं, मुझे भी कॉल करते हैं कि मैम हमने ID बनानी है, नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। और कुछ लोग तो बिलिंग भी कर लेते हैं, जैसा कि मेरे साथ हुआ, पिछले संडे एक पर्सन ने ID बनाए और वहाँ ने उन्होंने बिलिंग करके, और मुझे 3 दिन बाद बोल रहे हैं कि मैम हमने बिलिंग भी कर ली है, अब आप नेक्स्ट स्टेप बताइए हमें क्या करना है। तो फिर मैंने उन्हों को टीम में ऐड किया। तो ऐसा सिस्टम चाहिए आपको? क्योंकि ऐसा सिस्टम मैंने बताया कि मेरा जो पहले का प्लान था, मैंने देखो वहाँ पे उसके साथ सिर्फ ID क्रिएट की थी, बिलिंग नहीं की थी। तो जब तक आप बिलिंग नहीं करते, तो आपकी ID 45 डेज में डिलीट हो जाती है। तो मैंने वहाँ पे ID ही क्रिएट की थी, बिलिंग नहीं की थी। तो यहाँ पे अगर आपने भी किसी पर्सन के साथ ID बना ली है और बिलिंग नहीं की है, और आपको पता चल रहा है कि आप कॉल्स और DMs वाले सिस्टम में वर्क करने जा रहे हो और आप नहीं कर पाओगे, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना, मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगी, जिसके थ्रू आप हमारा जो ऑटोमेशन सिस्टम है वो आपको सारा मिलेगा, और उसके थ्रू आपको वर्क करने को मिलेगा। हो सकता है आप पहले यूट्यूबर हो अपनी फैमिली में,
जो कि YouTube पे वर्क करोगे। आपको यहाँ पर कंटेंट क्रिएटर बना जाता है, आपको यहाँ पे एक ऑटोमेशन सिस्टम मिलता है जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत भी ना करना पड़े, लोग खुद से आपसे कनेक्ट हो। सो दोस्तों, अगर आप ऐसा सिस्टम चाहते हो आप मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हो और इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ तक आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर आप भी कॉल और डीएम नहीं करना चाहते, आप भी फॉरएवर को आगे नहीं छोड़ना चाहते, आप भी फॉरएवर में अपना नेक्स्ट लेवल अचीव करना चाहते हैं, अपना ड्रीम लेवल जो बहुत अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं, तो ज़रूर से ज़रूर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। अगर आप फॉरएवर में खुद से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो लास्ट लिंक है उस पर जाके क्लिक करके आईडी बनाइए और फॉरएवर को ज्वाइन कीजिए। बिलिंग भी करने का अगर आपको नहीं आ रहा है तो मेरे वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, मेरे चैनल पर जाके आपको सारी डिटेल्स मिलेगी। और आप चाहते हो कि आप ढूंढ नहीं पाओगे तो आपको कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर कॉन्टेक्ट कर लेना, मैं आपको वीडियो शेयर कर दूँगी। सो आई होप दोस्तों, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। फॉरएवर को अगर कॉल्स और डीएम्स कर करके जो पुराना सिस्टम है उसके साथ करोगे तो एक दिन आपको फॉरएवर यहाँ पे छोड़ना पड़ जाएगा। तो दोस्तों, अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो ज़रूर से ज़रूर कॉन्टेक्ट करें। दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट तो ज़रूर करना और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना ताकि आपको उनको भी हेल्प हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।